और इसी कड़ी में होने वाले इंटर स्कूल एंड कॉलेज डांस कंपटीशन का आज फाइनल राउंड का आयोजन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थानी कला को फिल्मों के जरिए प्रोत्साहित करने और यहाँ की मूवीज को अलग मकाम दिलाने के लिए राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर संजना शर्मा और उनकी टीम पिछले कई सालों से जयपुर और कोटा के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाकर युवा छात्र छात्राओं को जोड़ रही है। फिनाले में फर्स्ट आने वाले पोदार इंटरनेशनल स्कूल ने 25,000 का कैश प्राइज जीता, जबकि ऑल बेस्ट स्कूल को दूसरा स्थान मिला और 11,000 कैश और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज फिनाले हो चुका है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का और बच्चे बहुत खुश हैं। और इस साल 2019 में टैगोर जीती है और अब 28 सितंबर को मान पैलेस में हमारा इवेंट है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और जिसमें शक्ति कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है और ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 7 एडिशन है। यूथ को जोड़ने के लिए जो हमारा प्रयास था, हमने 60 स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो कंपटीशन करवाया था उसमें से 12 टीमें आज हमारे सेलेक्ट हुई थी। उन 12 टीमों ने अपनी भाषा संस्कृति कला को प्रमोट करने के लिए जो परफॉर्म किए उसमें 3 टीम विनर रही। ये बहुत अच्छा प्रयास था बच्चों का, स्कूल कॉलेजेस का। कार्यक्रम में जजेस के रूप में महेंद्र गौड़, राजस्थानी फिल्म कलाकार नेहा श्री, अभिनेत्री प्रिया सहित निक्की थापा कोरियोग्राफर के रूप में मौजूद रही। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से एज जजमेंट में मैं आई हूँ और यहाँ के बच्चों में एक अलग चेंज है। मतलब राजस्थान इंडस्ट्री जैसे एक तरफ को लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान इंडस्ट्री आज भी जिंदा है और ये बच्चे आने वाले टाइम में बहुत इसको आगे लेके जाएंगे। आने वाले वक्त में देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के फेस्टिवल आयोजित करने से प्रादेशिक फिल्मों को कितना बढ़ावा मिलता है। हालांकि रोजगार और पर्यटन के मौके पैदा करने में ये फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अनूप शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। छुपना जाओ जी।